अकेला भी चल जाता है आज 10-12 दिन से छोटा सा छेद था, छोटे के बाद इसमें लकड़ी लगा के क्षेत्रवासियों ने इसको रोका और यहाँ आए लोग देख के चले गए, अधिकारी चले गए उस, और फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता चला गया, बड़ा होता होता आज एकदम से थोड़ा धसा, थोड़ा धसते धसते आज ही ये पूरा इतना धस गया है। तो या कम से कम ये 15 दिन से है ये चीज़। अच्छा, बेंच लगी थी, लकड़ी लगी थी। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल हादसा, इतनी चलता फिरता रोड है, जरीब चौकी से लेकर बड़े चौराहे तक का वाहन आता जाता है, इसमें कोई टेम्पो घुस जाए, कुछ हो जाए, अभी रात बिरात कोई हादसा हो सकता है। किसकी लापरवाही मानते हैं? अब ये जो नगर निगम जो कार्य कर रहा है उसी की देर में है, तो उसको ही दोषी ठहरा। ये पाइप लाइन 6 इंच की AC लाइन है जो टूटी हुई है और मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और 24 घंटे के अंदर ये मरम्मत करा दिया जाएगा। सप्लाई जो है 24 घंटे के अंदर जनता को सुचारू रूप से मिल जाएगी। अच्छा, ये जो सप्लाई बंद कर दी गई है तो इससे कहाँ कहाँ के एरिया पार्ट करवा? ये रामबाग और ये चपरासी एरिया और ये हरसा स्कूल के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वो पी रोड, ये सब प्रभावित हैं।